SSC 2022 2022 का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहे हैं, यदि फोर्थ ब्रैकेट में 17 का क्यूब दे रखा है, 7 का क्यूब दे रखा है, और कौन में दे रखा है 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर पी इक्वल टू 40, तो हमको पी की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस पर एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये फार्मूला क्या कहता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर ये ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये 17, यानी कि ये ए है और बी के जगह पे क्या आ जाएगा 7, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए बी के जगह पे क्या आएगा 17 × 7 आएगा प्लस बी के जगह पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है 17 का स्क्वायर प्लस पी प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है 40। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 10, और 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ये 17 है, ये इसके बराबर, ये किसके बराबर, पी के बराबर, ये 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आपस में बराबर, पी की वैल्यू कितना आ जाएगा 17 × 7, जिसकी वैल्यू कितना आता है 17 × 7 जा कितना हो जाएगा 119। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसको एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, और डिटेल में जानना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कमेंट करें तो उसको भी बताया जाएगा।